जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डॉक्टर रोमचो में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें इतना प्यार दुलार और उत्साह प्रदान करने के लिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री महाकाल कमेंट्स में लिख सकते हैं और बाबा महाकाल का नाम आप लेते रहें। वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगा हो और शेयर भी करें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक सलाह आपका जीवन बदल सकती है। कई लोगों के प्रश्न आते हैं, बहुत परेशान हैं, ये समस्याएं, वो समस्याएं, अनगिनत समस्याएं यहाँ पर हमें गिनाई जाती है। उन समस्याओं का क्या निदान है? हर व्यक्ति उपाय चाहता है कि कोई तुरंत कोई उपाय हो और उस उपाय से हम फिर से सही हो जाएं या सब कुछ सही हो जाए, हर व्यक्ति की मानसिकता है। तो आपके मन में भी यदि ये प्रश्न उठता होगा तो आप केवल बेसिक चीज़ें जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ उन पर काम करेंगे तो बिल्कुल आपको 15-20 दिन और 25 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहली और मुख्य बात है, आप रोज़ मंदिर जाएँ और अपना इष्ट देव जरूर बनाएं। किसी भी माने किसी को भी माने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्हें माने, जिन भी देवी देवताओं को आप मानना चाहते हैं उन्हें माने और दर्शन रोज़ करने जाए, शिवालय जाए सुबह शाम, सबसे सही तो बाबा भोले भंडारी या जिन भी देवी देवता को मानते हैं सबका मैं मान्य करता हूँ, क्योंकि ईश्वर एक ही है, उसके रूप अलग अलग है, तो दर्शन करें उनके और शिव जी को रोज़ जल चढ़ाएं। जब तक आप कंटिन्यू आपके मन में आस्था जो है, आपके मन में जो पॉजिटिविटी है, जो आपके मन में एक पूरा ये द्वंद्व जो चल रहा है सामाजिकरण या लोग जो आपको करवाना चाहते हैं या जो दिखवाना चाहते हैं, जिससे हम भ्रमित हो चुके हैं, तो इस भ्रम से पहले बाहर आएँ। आप मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, एक सकारात्मक ऊर्जा आप में जब तक जनरेट नहीं होगी, एक सकारात्मक माहौल जब तक आपके अंदर जनरेट नहीं होगा, तब तक आपको सही और मुख्य चीज़ें नहीं दिखाई देगी। तो आप इस पर काम करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। दूसरी बात है, आप गीता का एक बार ज़रूर अध्ययन करें। गीता के 18 अध्यायों का अध्ययन करें। आपको गीता इंटरनेट पर मिल जाएगी, आप पॉकेट आती है 15-20 रुपये की, बाज़ार से खरीद सकते हैं, उसका अध्ययन आप कंटिन्यू करें। उसे अगर आपको मन को तसल्ली मिलती हो तो उसे 2-4-5 बार आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप 2-4-5 बार पढ़ लेंगे तो दोस्तों मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको जो फ़ायदा दिखेगा वो मैं भी बयां नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि गीता एकमात्र ऐसा इस जीवन का सच है जो व्यक्ति को हर एक चीज़ें बयां कर देता है और हर एक चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती है। तो पहली बात है, अपने इष्ट बनाएं, देवी देवताओं को जो भी मानते हैं मंदिर दर्शन करने जाए सुबह शाम दोनों वक्त, और गीता का अध्ययन करें। गीता का अध्ययन करने के साथ ही सूर्य को रोज़ जल चढ़ाएं। दोस्तों, सूर्य को आप रोज़ जल चढ़ाएंगे उसका भी आपको फ़ायदा होगा। देखिए, ग्रह जो 9 ग्रह होते हैं वो हम खुद उन्हें मजबूत कर सकते हैं, हम खुद उन्हें बिगाड़ सकते हैं, हमारे व्यवहार आचरण खाना पीना रहना उठना बैठना सब कुछ चीज़ें, तो सब सही हो, व्यवस्थित हो, ये मुझसे अच्छे से आप जानते हैं, इस पर फोकस करें तो आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक और बात है कि बहुत से लोग निराश हो जाते हैं, तो निराश कभी नहीं होना चाहिए जीवन में, चाहे पल कैसे भी हो, तो पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, मैं हमेशा आपको कहता रहता हूँ, और खुश रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस बात को जान सके। तो जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।